सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल विल बी राइट। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ इंडिया और इंग्लैंड के बारे में, टीम के बीच में होने वाले एक मैच के बारे में कैसी जानकारी, जिसको जिसमें एक प्लेयर की जानकारी ऐसी है, मतलब मैंने अभी देखा उसमें 54% लोगों ने उसको अपनी टीम में लिया है, पर इंग्लैंड के कैप्टन ने वो कन्फर्म किया है कि वो प्लेयर खेलने वाला नहीं है। तो फिर आप भी देखिए कि वो प्लेयर कौन होगा जिसे आप ना लें। इसे देखने के लिए आप वीडियो अंत तक देखते रहें और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं, मतलब ये मैच ऐसा होगा कि ये इस टीम को इंडिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीत से जीते या हारे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं, इंडिया को उसके बाद दो और मैच खेलने होंगे। पर अगर इंडिया आज हारता है और इंग्लैंड जीतता है तो दो या तीन टीम कम से कम बाहर हो जाएंगी, पाकिस्तान का मतलब वर्ल्ड कप का पूरा कंटेस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फिर पाकिस्तान वाले भी ये दुआ कर रहे हैं कि आज इंडिया जीते, मतलब आज देखते हैं मैच का क्या स्टेटस है। मतलब पाकिस्तान वाले पहली बार इंडिया के लिए दुआ कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर देखते हैं मतलब मैच कहाँ पर होने वाला है। एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड है बर्मिंघम, वहाँ पे होने वाला है। टीम न्यूज़ की बात करें तो ज़्यादातर कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, एक्सेप्ट कार्तिक इन प्लेस ऑफ विजय शंकर के, यहाँ पे चेंजेस हो सकता है और कार्तिक उनकी जगह पे आ सकते हैं। कार्तिक या पंत पर ज़्यादा चांसेस कार्तिक का है। अगर ये चेंजेस होता है तो पर्सनली मैं बहुत ही खुश होऊंगा, मुझे विजय शंकर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इंग्लैंड की बात करें तो उनकी एक टीम में बड़ा बदलाव होने वाला है, जेसन रॉय और जोफ्रा आर्चर के रूप में, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है, दोनों का क्या होने वाला है। प्रोबेबल लक्ष्य की बात करें इंडिया की तो रोहित शर्मा है, राहुल होंगे, विराट कोहली होंगे, विजय शंकर या दिनेश कार्तिक, इन दोनों में से मतलब कोई होगा, MS धोनी होंगे, केदार जाधव होंगे, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, चहल होंगे और जसप्रीत बुमराह भी होंगे। और अगर इंग्लैंड की बात करें तो अब जेसन रॉय हैं वो अंदर आने वाले हैं और जोफ्रा आर्चर है वो बाहर जाने, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को इंजरी हुई है। जोफ्रा आर्चर आज का मैच नहीं खेलने वाली है, सबसे बड़ी न्यूज़ है, जोफ्रा आर्चर आज के मैच में नहीं खेलेंगे और उनकी जगह पर लियम प्लंकेट को शामिल किया गया है। तो अगर टीम देखते मतलब कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको फ़ायदा हो थोड़ा बहुत, अगर टीम सिलेक्ट करें तो कीपर की बात करें तो मुझे ये पर्सनली तीनों ही कीपर ज़्यादा पसंद है, मतलब तीनों लेना चाहे तो तीनों भी ले सकते हैं, कार्तिक को भी अब दे सकते हैं, लेना चाहे तो ले सकते हैं। सिलेक्टर भी सिर्फ 1.54% है, ऋषभ पंत का भी मतलब वैसा ही हाल होगा, कुछ ज़्यादा है नहीं डिफरेंस, मतलब जैसे जॉनी बेयरस्टो का 187 पॉइंट है, मतलब बहुत ही गजब है। बैट्समैन में देखें तो कोहली को आप ले सकते हैं, ले भी ले सकते हैं नहीं भी ले सकते, कोहली या जो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करें अगर आप मेरी मान तो। उसके बाद चाहे तो जेसन रॉय को सिलेक्ट करें, मॉर्गन को करें, इस उन दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। और अगर हम ऑलराउंडर देखें तो अभी स्टॉक्स को लेंगे जैसे कोहली बोलता है। इसके बाद थोड़ा बहुत जो हार्दिक पांड्या के लिए, पर अगर देखते हैं क्रेडिट बचेगा तो हम लोग अभी मोइन अली को अभी सिलेक्ट करते हैं। तो बॉलिंग करके तो अब अपना वर्ल्ड का नंबर वन बॉलर बुमराह, उसको तो लेना ही लेना है हमें। अभी चहल को हम लेंगे, ये आर्चर को आप मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना, वो इंजर्ड है, वो खेलने वाला नहीं है। ये देख रहे सिलेक्शन उसका इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 54% है, उसको आप मत लेना, ये वो खेलने वाला नहीं है। इसके बाद अभी नो क्रेडिट बचा, आप मोहम्मद शमी को लीजिए, मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी के अलावा अब आप आदिल रशीद को भी ले सकते हैं, क्रिस वॉक्स को भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट। मैं तो बोलूँगा शमी बहुत ही अच्छा है, क्यों लोगे और किसी को क्यों लेना, 0.5 क्रेडिट बचता है, अभी देखते हैं कुछ होता है क्या। मेरे ख्याल से पर ये पूरी वेल बैलेंस टीम है, अगर देखें तो पूरी एकदम वेल बैलेंस टीम है, मतलब स्कोर भी ग्राउंड मतलब है वो बर्मिंघम का, वहाँ पे जनरल स्कोर 270 से 280 तक बनता है। तो फिर ज़्यादा बैट्समैन रखें, बॉलर कम रखें, मैं तो यही बोलूँगा। इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी कमज़ोर है भारत के मुकाबले, तो मैंने तीनों के तीनों बॉलर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये टीम मेरे ख्याल से पूरी वेल बैलेंस्ड है, आप चाहे तो कुछ भी इसमें बदलाव कर सकते हैं, या आपका जो भी बदलाव हो वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड होप कनेक्टेड विद अस।